गाइज वेलकम बैक टू टायदेव। तो यार हम अपनी रिएक्ट जेएस की सीरीज में काफ़ी लेसन्स कवर कर चुके थे एंड लास्ट लेसन में हमने देखा था हाउ वी कैन मेंटेन स्टेट इन क्लास कंपोनेंट्स। मतलब स्टेट व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या होती है, स्टेट रिएक्ट जेएस के अंदर कितना बड़ा रोल प्ले करती है एंड क्लास कंपोनेंट्स में हम कैसे स्टेट को यूज़ कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ दैट लेसन इज़ वेरी बिग, सो दैट्स वाई हमने इस लेसन के अंदर स्टेट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं विद द फंक्शनल कंपोनेंट्स स्टार्ट किया है। ओके तो इस लेसन का मेन एजेंडा है व्हाट इज हुक्स इन रिएक्ट जेएस, हाउ वी कैन मेंटेन दैट कि स्टेट यूज स्टेट हुक क्या होते हैं, स्टेट को भी हम थोड़ा सा दोबारा से पढ़ेंगे एंड बटन क्लिक के ऊपर हम किसी भी कंपोनेंट की किसी भी एलिमेंट की स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं या उसकी वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं यूजिंग ऑफ हुक्स एंड यूज स्टेट। तो गाइस लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज़ स्टार्ट टू फिनिश देखना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हुक विच इज़ यू स्टेट, जो आप अपनी पूरी रिएक्ट जेएस की लाइफ जर्नी में आप फॉलो करोगे, मतलब अगर कोई अपडेट आता है तो आई डोंट नो, बट यू स्टेट इज़ द मोस्ट यूजफुल एंड यूजेबल हुक इन द रिएक्ट जेएस। बाकी भी हैं बट यू स्टेट आपका समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप यू स्टेट को ही मॉडिफाई करके हर जगह यूज़ करोगे। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले यार ना स्टेट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दो मिनट लगेंगे बस, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी पॉइंट्स पढ़ता हूँ। स्टेट इज अ बिल्ट इन रिएक्ट ऑब्जेक्ट इन यूज टू कंटेन डेटा और इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट, ठीक है। किसी भी कंपोनेंट जैसे कोई H1 का टैग है, बहुत बेसिक एग्जांपल, कोई H1 का टैग है, ठीक है। उस H1 के टैग में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उस वैल्यू को चेंज करने के लिए या उसके अंदर कोई और वेरिएबल है उसको चेंज करने के लिए या कोई कंपोनेंट में बहुत सारे हमने एलिमेंट लिखे हुए हैं उनके वैल्यू टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हम स्टेट का यूज़ कर सकते हैं, जिसे डायनेमिकली हम उसको चेंज कर सकें। ओके ओवर द फंक्शन, फंक्शन कॉलिंग या फिर किसी भी बटन के क्लिक के ऊपर। ओके सेकेंड ऑप्शन, अ कंपोनेंट स्टेट कैन चेंज ओवर टाइम वेन एवर इट चेंजेस द कंपोनेंट रीरेंडर। मतलब क्या है कि कभी भी किसी कंपोनेंट की स्टेट चेंज होती है तो उसका कंपोनेंट रीरेंडर होता है, ठीक है। या प्रीवियस लेक्चर देख लेना, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना उसमें। स्टेट इज मैनेज विद इन अ क्लास एंड फंक्शन कंपोनेंट्स, मतलब क्लास में भी कर सकते हैं एंड फंक्शन कंपोनेंट में भी कर सकते हैं। देन देयर इज अ हुक्स, क्लास के अंदर हम डायरेक्ट दिस डॉट स्टेट से मेंशन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं स्टेट को, बट फंक्शनल कंपोनेंट में हम हुक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट लेसन में देखा था कि यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एंड सो ऑन। ओके स्टेट फिर से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हमारे लेक्चर के मेन कंपोनेंट की, लेसन का मेन कंपोनेंट, व्हाट इज हुक्स इन रिएक्ट जेएस। तो यार क्लास कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे थे बट रिएक्ट हुक्स वर एडिड टू रिएक्ट इन वर्जन ऑफ 16.8 पॉइंट समथिंग। ओके सो विद दैट, ये अपने हाथ से लिखा मैंने, तो 16.8 मुझे याद है, लास्ट इंटरव्यू में यही पूछा था, ठीक है। तो विद द ट्रांजिशन फ्रॉम क्लास टू फंक्शनल कंपोनेंट्स, हुक्स लेट यू यूज स्टेट, इट्स नॉट यूज स्टेट हुक बट लेट यू यूज द स्टेट एंड अदर फीचर विद इन द फंक्शनल कंपोनेंट, एग्जाम्पल के लिए विदाउट राइटिंग अ क्लास कंपोनेंट। ओके तो विदाउट राइटिंग अ क्लास कंपोनेंट आप स्टेट को यूज़ कर सकते हो, बट 16.8 से पहले आपको क्लास कंपोनेंट ही लिखने पड़ रहे थे। अगर आपको एक स्टेटलेस कंपोनेंट बनाना है तब आप फंक्शन कंपोनेंट पे जाते थे। यार स्टेटलेस एंड स्टेटफुल कंपोनेंट मैंने एक्सप्लेन किए हैं प्रीवियस लेसन में, उनको देख लेना क्या होते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल के लिए, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूसर, कॉल बैक, मेमो, रेफरेंस, ETC, मतलब और भी हैं अभी, ठीक है। सब समझेंगे वन बाय वन, एक लेसन में एक हुक समझाऊंगा बट ऐसा समझाऊंगा लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक है। तो यार कितना बढ़िया नाम है इसका, यूज स्टेट, मतलब स्टेट को ही यूज़ करने के लिए इन्होंने यूज स्टेट रख दिया। बिल्कुल दिमाग में लगाया कि हम कुछ रखेंगे, समझ में आने वाली बात है। ओके तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यार वैसे पता है स्लाइड स्लाइड बहुत हो रहा है, नो बट एक सेकंड में एग्जांपल पे चलेंगे, लास्ट समझ लो बस। रिएक्ट यूज स्टेट हुक्स अलाउ you to have state variables in a functional component. जैसे कि हम क्लास कंपोनेंट बनाते थे, तो एक बार यार मैं स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था, इसी को आज कंप्लीट करेंगे। कांगया VS, हाँ देखो ये क्या है, ये क्लास कंपोनेंट है। तो क्लास कंपोनेंट में आप दिस डॉट स्टेट से आप किसी भी वेरिएबल की स्टेट चेंज कर सकते हैं, राइट विद इन द कंपोनेंट। ओके जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे को कितना कोड लिखना पड़ रहा है इसके लिए, बट वेर वी वर, यार स्लाइड कहाँ चली गई, ओके ठीक है। एंड यू पास द इनिशियल स्टेट टू द फंक्शन एंड रिटर्न्स, सॉरी कहाँ थे हम, हाँ अलाउ यू टू हैव
स्टेट वेरिएबल्स इन अ फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम यू स्टेट यूज़ कर सकते हैं। यू पास द इनिशियल स्टेट टू द फंक्शन, मतलब आपको पहले इनिशियल स्टेट देनी पड़ेगी। सपोज देर इज़ अ काउंटर जो हम यूज़ करने वाले हैं, उस काउंटर में इनिशियल वैल्यू क्या होगी? जीरो ऑफ कोर्स, है ना। अगर हमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम जीरो से तो करेंगे। एंड इट रिटर्न्स अ वेरिएबल विद द करंट स्टेट वैल्यू, ठीक है। नॉट नेसेसरी द इनिशियल स्टेट, जरूरी नहीं है वो इनिशियल स्टेट हो, आप उसके अंदर भी वैल्यू चेंज करके रख सकते हो। ओके भाई स्ट्रक्चर देखते हैं, अभी परेशान मत हो। एंड अनदर फंक्शन टू अपडेट दिस वैल्यू, मतलब एक यू स्टेट फंक्शन के अंदर आपके पास एक वेरिएबल होता है, एक फंक्शन होता है उसको अपडेट करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, आप पढ़ लेते हैं कि यू स्टेट का काम क्या होता है। पॉइंट्स लिखे हुए हैं बस। एडिंग स्टेट टू अ कंपोनेंट, ये हमने समझ लिया। अपडेटिंग स्टेट बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्टेट, जो पहले जीरो है देन हम उसमें प्लस वन करेंगे तभी वो वन होगा। देन उसके बाद हम स्टोर कर रहे हैं वन को, देन प्लस करेंगे देन होगा टू, राइट। तो अपडेटिंग, फिर नेक्स्ट है अपडेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड एरे इन स्टेट, मतलब आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी अपडेट कर सकते हो। सपोज देर इज अ पर्सन, उस पर्सन की कुछ डिटेल्स है, नेम, एज, मोबाइल नंबर, तो आप अलग अलग वेरिएबल बनाने की बजाय, अलग अलग यू स्टेट बनाने की बजाय, दिस डॉट स्टेट बनाने की बजाय, आप एक ही यू स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो। अवॉइडिंग रिक्रिएटिंग द इनिशियल स्टेट, मतलब इस बार बार स्टेट के ऑब्जेक्ट को कॉल करने की बजाय एक सिंगल स्टेट के ऑब्जेक्ट्स है, या फिर हम मतलब सॉरी सिंगल नहीं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, स्टेट के ऑब्जेक्ट्स को हम कॉल कर सकते हैं बार बार इनिशियल स्टेट को क्रिएट करने की जगह। रीसेटिंग स्टेट विद द की, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस रेंडर, मतलब लास्ट रेंडर का डेटा स्टोर करते हैं, जो हमने पहले पॉइंट में भी देखा, सेकंड पॉइंट में भी देखा था। ओके स्ट्रक्चर देख लो भाई, अब परेशान नहीं करना मैं ज़्यादा, स्ट्रक्चर देख लो। वो थोड़ी सी कहानी ज़रूरी थी क्योंकि यार चक्कर ये ना, आप इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू वाला पूछेगा व्हाट इज यू स्टेट, वो बताना पड़ेगा, वही बताना पड़ेगा, ठीक है ना। सो सिंटैक्स यू स्टेट इन React.js। सो अच्छा यार, अगर स्लाइड अच्छी लग रही हो ना, कैनवा पे बनाई है टू बी ऑनेस्ट, बट अच्छी लग रही हो ना तो एक थम्सअप दे देना, लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। और ये स्लाइड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ लेना इजीली। सो इंपोर्ट यू स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, पहले इंपोर्ट करना होता है, फिर एक कंपोनेंट बनाओ बड़ा बढ़िया सा फंक्शन वाला, फंक्शन माई कंपोनेंट जो हमने लास्ट लेसन में सीखा था। उसके बाद भाई ये सिंटैक्स है बस, कॉन्स्ट, अब कॉन्स्ट यूज़ करते हैं ये पता होगा, जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर मैंने लेसन बनाया, देख लेना, ठीक है। बट बता दे रहा हूँ कि लेट कॉन्स्ट वेयर देर इज अ थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन द जावास्क्रिप्ट। कॉन्स्ट से हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करते, बट उसके अंदर की ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ पे एग्जैक्टली हो रहा है, ठीक है। एज, सेट एज, अब उसके बाद है यू स्टेट जो हमें इंपोर्ट करना है रिएक्ट से, एंड हम उसमें इनिशियल एज पास कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट, ओके। एंड सेम ऐसे ही, चलो यार बस बहुत हो गया, अब बात करते हैं अपन लाइव, ठीक है। ये हमें बनाना है, बहुत काम भी पढ़ लिया तुम लोगों ने वैसे, फिर भी थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल नाउ। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा, विच इज़ फंक्शनल कंपोनेंट, नाम भी यही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार GS रह गया, ओके। तो अब यहाँ पे एक शॉर्टकट है जो मैंने बताया था आपको पहले भी, ठीक है। रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट आप देख सकते हो राइट में आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ डायरेक्ट। तो एक कंपोनेंट आ गया, इसको अपन कॉल कर लेंगे यहाँ पे फंक कंपोनेंट, राइट। इसको हटा दो, पहले का क्रिएट किया हुआ है, तो आप देख सकते हो ये आ रहा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, फंक्शन कंपोनेंट। अब कुछ नहीं करेंगे यार, देखो ज़्यादा मेहनत तो वैसे भी बेकार है ना, इसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, ओके। और रिटर्न में एक मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हाँ, रिएक्ट फ्रेगमेंट्स, याद है ना, ठीक है। अभी अनडिफाइंड बोला क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेट डिफाइन की हुई है, जो हमें अभी के लिए रिमूव करनी होगी, ठीक है। ये भी रिमूव कर दो, यहाँ पे अपना ज़ीरो इनिशियलाइज कर दो। एंड ये जो फंक्शंस की कमेंट है ना, क्योंकि हमें ये भी नहीं चाहिए, हम बिल्कुल नए हिसाब से लिखेंगे, नए लिखेंगे यू स्टेट के साथ। देखो ये आ गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। तो अब इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे काम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यू स्टेट। पहले बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सो व्हाट इज़ फर्स्ट रूल फॉर क्रिएटिंग यू स्टेट हुक, क्या करना है आपको? सबसे पहले ये रूल याद रखना है कि ये फंक्शन कंपोनेंट के अंदर ही क्रिएट होगा, ओके। तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको एक यू स्टेट दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। काउंट, ठीक है, कॉन्स्ट काउंट, काउंट नंबर है वैसे, तो आप चाहो तो नम दे दो यहाँ पे, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आप कॉल करेंगे यू स्टेट को, जो कि ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है रिएक्ट से, ठीक है। एक इसकी इनिशियल कंडीशन बस अभी के लिए, तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि यू स्टेट हुक काम कैसे करता है। तो कंसोल डॉट लॉग, मैं एक बार इसमें नम कर देता हूँ, या आप यहाँ पे स्टेट भी कर सकते हो, क्योंकि ये यू स्टेट है, ठीक है, स्टेट,
समझ में अच्छा आएगा। ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ उसे, ठीक है यहाँ प्रिंट हो रहा है। तो आप देख सकते हो पहले तो अनडिफाइंड है, ओके एंड देन उसके बाद जो हमारा वन पे है, ये ऑब्जेक्ट है, यूज स्टेट पूरा ऑब्जेक्ट है, तो जीरो पे कुछ भी नहीं है। वन पे हमारा एक फंक्शन है, जो फंक्शन जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं आपके लो लेंथ नेम आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉलर। तो ये क्या हो रहा है, ये एरे डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। आपने शायद जावा रिफ्रेशर में देखा होगा, जो मैंने जावा स्क्रिप्ट रिफ्रेशर ऐड किया है उसमें हम एरे डिस्ट्रक्चर कर रहे थे, जिसकी हेल्प से आप किसी भी एरे की वैल्यूज़ को नेम से एक्सेस कर सकते हो। ओके मैं एग्जांपल अगर आपको दूँ, जैसे पहले क्या होता था, एक कॉन्स्ट है नेम्स है, ठीक है यहाँ पर लिया मैंने, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी कान्हा, ओके एक वैल्यू और दे दो ऋषभ एंड गौरव। ओके अब ये अगर आपको नेम एक्सेस करने हैं या फिर वैल्यू एक्सेस करनी है, तो आप कैसे करते हो, नेम्स एंड उसके बाद जीरो, तो क्या होगा, पहला नाम आ जाएगा, अब वन करोगे दूसरा नाम आ जाएगा। तो एरे डिस्ट्रक्शन किस तरीके से काम करती है, आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्स्ट आपने क्या करा, एक वेरिएबल लिया यहाँ पे एंड ये आपने ऐड कर दिया के आर और जी, एंड उसके बाद आपने इसको ऐसे सॉरी इसके बाद आपने यहाँ पे अपना नेम्स का एरे ऐड कर दिया। तो अभी क्या होगा, जैसे ही मैं जी टाइप करूँगा ना, ये ऑटोमेटिक नेम्स में इसने थर्ड वैल्यू को इस वेरिएबल के अंदर ऐड कर दिया होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिक गौरव आ गया। ओके सो दिस इज द एरे डिस्ट्रक्चरिंग, तो प्लीज़ उसको रेफर कर लेना। तो यहाँ भी एरे डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, हमने यू स्टेट का ऑब्जेक्ट स्टेट के अंदर ले लिया, अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना काउंट वाले वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब एग्जैक्ट जैसे हमने स्लाइड में देखा था, मैं एक बार स्लाइड आपको दोबारा दिखाता हूँ, इसमें स्ट्रक्चर क्या था, कॉन्स्ट एज सेट एज, एक हमारा वेरिएबल, दूसरा फंक्शन, यहाँ इनिशियल स्टेट एंड ये इनिशियल स्टेट 42 एंड एज यहाँ पे सेम वैल्यू होंगी फर्स्ट रेंडर में, आपको ऐसी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे एरे लूँगा मैं, पहले काउंट देन उसके बाद सेट काउंट। ओके आप देखिए कितना इजी हो जाएगा हमारे क्लास कंपोनेंट से, मैं वो भी रेफर कराऊंगा। यू स्टेट अब आपको इनिशियल वैल्यू आप 10 पास कर सकते हो, 20 पास कर सकते हो, लेकिन हमें इंक्रीमेंट जीरो से करना है तो हम जीरो पास करेंगे। ओके अब देखो सबसे पहले यहाँ से मैं जीरो को हटा के सिंपल काउंट कर दूंगा ये वेरिएबल, कोई दिस डॉट स्टेट नहीं, सीधा आप काउंट को एक्सेस कर सकते हो अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, तो ठीक है। तो क्रोम पे चलते हैं, देखो जीरो आ रहा है, मैंने यहाँ से वेरिएबल लिया, अगर मैं इनिशियल स्टेट इसकी यहाँ पर 10 कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 10 आएगा, राइट ओके। अब सेकंड क्या है हमारा, हमें काउंट अपडेट करना है, यही इंटरव्यू में पूछ लेते हैं बहुत बार कि आप अपना यूज स्टेट होगी यूज करके काउंट अपडेट करो, ठीक है। तो अब हमें काउंट अपडेट करना है, तो हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट एक बटन है, हमें इस पर क्लिक करके अपडेट करना है। तो हम एक बनाएंगे यहाँ पे फंक्शन, हैंडलर फंक्शन, ये फंक्शन है जैसे मैंने आपसे बोला सेट काउंट करने के लिए, बट इसकी स्टेट को कंट्रोल करने के लिए भी आपको एक ऑन क्लिक फंक्शन बनाना होगा ना, ठीक है, या फिर आप सेट काउंट ही ऑन क्लिक पे कॉल कर सकते हो, मैं दोनों ही मेथड आपको शो करूंगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम एक क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट इंक्रीज काउंट, ओके इंक्रीमेंट काउंट या काउंट प्लस प्लस कुछ भी आप ऐड कर लो, एंड यहाँ हम यूज़ करेंगे अपने एरो फंक्शन का, ठीक है। एंड एरो फंक्शन के बाद हमें कौन सा मेथड कॉल करना है, सेट काउंट, ओके अब यहाँ पे हम काउंट की इनिशियल वैल्यू लेके उसको प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। एंड अब इस इंक्रीमेंट काउंट को कॉल कैसे करना है, तो आप इस पर जाएंगे ऑन क्लिक, ओके एंड यहाँ पे आपको सिंपल इंक्रीमेंट काउंट को कॉल करना है, दैट्स इट। कोई पैरामीटर्स नहीं, कोई मतलब पैरामीटर आप दे सकते हो, लेकिन हाँ कोई फंक्शन ब्रैकेट्स नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। देखो अब ये 10 है, अब यहाँ पे प्लस प्लस हो रहा है, तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, ओके दिस इज असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट नहीं चल रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लस 1 करना होगा एंड उसके बाद उस वैल्यू को सेट करना होगा, ठीक है। प्लस प्लस आर्गुमेंट काम नहीं करेंगे इसमें। तो आप देख सकते हो हमारा नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसको मैं जीरो कर देता हूँ एंड बूम गाइस, राइट 1 2 3 4 इजीली। अब सेम ऐसे डिक्रीमेंट का लॉजिक लिखना है, डिक्रीमेंट में क्या करना होगा हमें, जो हमारे पास पहले तो फंक्शन नेम चेंज कर लेते हैं, डिक्रीमेंट काउंट, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे काउंट प्लस 1 है, तो हमें काउंट माइनस 1 देना होगा, करंट वेरिएबल और उसका सेट फंक्शन, ओके। तो अब यहाँ पे हम सिंपल ऑन क्लिक को उठा के, या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन क्लिक
वी एस कोड ही है डी क्रिएट काउंट। ओके, तो अब मैं अगर इसको डिक्रीमेंट करूंगा तो एक करंट स्टेट के वेरिएबल को डिक्रीमेंट करना स्टार्ट कर देगा। गाइस दिस इज द यूज स्टेट ओनली। आपको सिंपल मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ये यूज स्टेट, इसके अंदर एक वेरिएबल, एक उस इनिशियल स्टेट को चेंज करने के लिए सेट काउंट का फंक्शन, एंड एक आप इनिशियल स्टेट यहाँ पे पास कर सकते हो डायरेक्टली। तो आपका कितना ईजी हो गया, रादर देन दिस होल प्ले कंप्लीट इसको लिखने की बजाय आप इजीली एक यूज स्टेट फंक्शन को कॉल करके ये काम कर सकते हो, राइट। अब आपको ऑन क्लिक लगाना है, ऑन डबल क्लिक लगाना है, इवेंट हैंडलिंग भी बहुत ही इजीली परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जांपल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद एन अदर एग्जांपल। तो यहाँ पे हम यूज स्टेट का यूज करने वाले हैं, जैसे हमने पहले यूज किया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में, तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं शो और हाइट के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम यूज स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, बुलियन पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, इंटीजर पास कर सकते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक हिडन फील्ड लेनी पड़ेगी एंड देन उसको हिडन सेट करना होगा यूज स्टेट। अब हमें इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होना चाहिए पासवर्ड वे में। ओके, तो हम इसको कर देंगे ट्रू, कि हिडन रहेगा ट्रू। ओके, अब हमें इस हिडन वेरिएबल को यूज करना है अपने इस कंपोनेंट के अंदर या इस एचटीएमएल के अंदर। ओके, तो हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ जेएसएक्स। सबसे पहले जैसे ये आप आई बटन देख रहे हो, इसको टॉगल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे उससे भी पहले हम काम करेंगे अपने पासवर्ड को हम डायनेमिक बनाएंगे, जिससे हम ऑन क्लिक पे चेंज कर सकें या फिर इसकी इनिशियल स्टेट करके भी, ठीक है। तो करना क्या है अपने को, यहाँ पे हमें कंडीशन ऐड करनी है, ये टाइप है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा क्लीन दिखेगा। ओके, अब टाइप में हमें यहाँ पे सेट करना है हिडन, अगर ट्रू है तो हिडन हमारा ट्रू क्या रहेगा, टाइप इसका रहेगा पासवर्ड, और अगर ट्रू नहीं है तो इसका टाइप हो जाएगा टेक्स्ट। ओके, तो इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार बिना क्लिक के पहले। अगर मैं इसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स कर दूं, ओके, अगर मैं टाइप करता हूं यहां आ रहा है टेक्स्ट, अगर मैं इसे ट्रू कर देता हूं तो फिर यहां आ रहा है पासवर्ड। ओके, तो अब हमें इस बटन के क्लिक पे इसको चेंज करना है, ठीक है, इस आई बटन पे क्लिक करके। तो आई बटन मैंने इसमें इंपोर्ट कर रखा है, वैसे फॉन्ट ऑफ एसएम से इजीली हो जाता है, आप कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस आई बटन को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है अपने को, इसको हटाओ, सबसे पहले यहाँ पे आपको हिडन की ही प्रॉपर्टी लेनी है। आप एक और भी यूज स्टेट बना सकते हो, बट मुझे ज़्यादा ईजी लग रहा है अभी के लिए, तो हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है, यहाँ से रिमूव कर दो। तो अगर हिडन ट्रू है तो हमारी आई ओपन रहेगी, या आई क्लोज भी कर सकते हो आप, वो आपके ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बस। और अगर हिडन फॉल्स है तो हमारे पास रहेगा एफ ए आई एंड उसके बाद आई स्लैश। ओके, देखते हैं यही प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो इसको सबसे पहले हमें करना पड़ेगा फॉल्स, फॉल्स करने के बाद ये अगर ट्रू है, ठीक है, एक बार और देखते हैं, एफ ए एस एफ ए एस आई स्लैश, एक सेकेंड ना। ओके, तो आप देख सकते हो एफ ए आई स्लैश आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ये एक साथ है, अलग अलग नहीं है। तो अगर ये ट्रू है तो देखो आप टेक्स्ट आ रहा है। अब हमें इसी के क्लिक पे इस वैल्यू को चेंज करना है, तो जैसे कि हमने काउंट में एक फंक्शन बनाया था, हम यहाँ पे बना देंगे हाइड पासवर्ड। ओके, या आप और भी कोई रिलेटिव नाम दे सकते हो, एरो एंड देन यहाँ पे आपको ये फंक्शन कॉल करना है विच इज़ सेट हिडन। सेट हिडन में आप इसकी प्रॉपर्टी डायरेक्ट भी सेट कर सकते हो, या फिर एक और तरीका सिखाता हूँ, हिडन और यहाँ पे आप लगा दो ये फॉल्स, सॉरी दिस वन, इसको एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, अब देख सकते हो, सॉरी ऑन क्लिक तो कॉल ही नहीं करा एक सेकेंड, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में क्या जाएगा हमारा हाइड पासवर्ड। ओके, तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसका पासवर्ड का वैल्यू चेंज हो रहा है और आई का आइकन भी चेंज हो रहा है। तो गाइस बहुत ही बढ़िया एग्जांपल था ये यूज स्टेट समझने के लिए, कि आप यूज स्टेट में कैसे वेरिएबल ऐड कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो, एंड कैसे उस वेरिएबल को आप मल्टीपल जगह पे विद द टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। ओके, आप इवन चाहो तो पूरा पूरा टेक्स्ट हाइड कर सकते हो, पूरा कॉलम हाइड कर सकते हो, इट्स जस्ट अप ऑन यू। तो गाइस आई वॉन्ट कि आप कुछ एग्जाम्पल्स, ज़्यादा कुछ नहीं, केवल आपको दो, एक ये एक ऐसा कोड HTML का एंड एक यूज स्टेट, आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हो और उसका फंक्शन, आपको कमेंट करना है, अभी आप कमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये था यूज स्टेट हुक,
कंप्लीट मैंने आपको एक्सप्लेन किया विद द क्लिक बटन, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उसको, हाइड कैसे कर सकते हैं पासवर्ड को, आप और भी इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे यूज़ इफेक्ट होगा, ओके, कि यूज़ इफेक्ट का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी एग्जाम्पल चाहिए यूज़ स्टेट को यूज़ करने के लिए तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं वो एग्जाम्पल भी आपको इसमें शो करके दिखाऊंगा एक सेपरेट वीडियो के अंदर, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड ये सोर्स कोड है जैसा कि पता है आपको, गिटहब लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, या आप डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में भी पोस्ट कर सकते हो, ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लेलिस्ट ये रही, इसको फॉलो होता देखते रहो, और चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन का बटन यहाँ पे आता है इजीली, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, और बाकी कुछ देखना हो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। एंड एक और छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इस पर फॉलोवर अभी 21 थे, कितने हो गए, 29 हो गए, ठीक है, मतलब अच्छे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यार इसको भी देखते रहो, ठीक है, एंड फॉलो कर लेना प्लीज़, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी आप, मैं पोस्ट कर दूंगा, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Thank you.